आप हजरत अपने इमाम रमन की सलामती के लिए और अपने अंबार के सारे सवाब के लिए और अपने मरीजों की शिफा के लिए मेरे साथ मिल के दुआ फरज को दफे अल्लाह दुनिया से उठाए जाए तो मोहब्बत है हुसैन से। एक मरतबा मिलकर आप इस इमामजादे के लिए जिसका ये मजार है और जो मक्खन शाह के नाम से मशहूर है, जिसकी हम मंडी से ज्यादा होती देखो, ये समझ जाओ कि वो मौला अली से हराने लगता था। उसके जाने के बाद भी वो इस बात को रवाना कर रहा है कि वो कब्र में भी रहकर अली अली से उसकी रूह को खुश करने के लिए आप सब मिलकर अपनी अम्मात के लिए भी और इसके लिए एक बड़े बसरवाद सरकार में आपकी खिदमत में जो आपका एक वक्त ले रहा हूँ इससे जिम्मेदार हूँ कि हर वक्त का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो वक्त आपका ले रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ कि आपको इसकी कयामत में जजा मिल रही है। सारे वक्त जाया हो जाएंगे ये वक्त आपको कभी भी जाया नहीं मिलेगा, आप जब देखोगे ताजा होगा। अगर दुनिया से चले गए तो भी बताया जाएगा देखो ये वक्त बैठकर आपने आगे नहीं किया था, इसलिए आपको इस वक्त में ये इंक्रीमेंट मिल रहा है कि आप दुनिया में अली को चाहते थे अली आपको चाहते थे। मेरे सरकार में आपको थोड़ा सा मुकदमा सुनाऊं अगर आप इजाजत दें और आप एक कुरान की आयत है सूरह ज़ुमर की के नफ़ा पे सूर फसाए चमन के सलवात चमन के आज देखिए इसमें सुन्नी शिया की बात नहीं है बल्कि हर अंदर जानने वाला इसका यही तर्जुमा करेगा। आप मेरे जाने के बाद कुरान हाथ को दे के किसी भी कॉलोनी से बगैर इम्तियाज के पूछ लीजिएगा कि ये तर्जुमा सही है, तो जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ वही कहेगा। तर्जुमा क्या है कि नफे का पसूर बसाए कमन फिर समावार कमन फिर आसमान, जब सूर भूखा जाएगा तो जो आसमानों में है वो भी मर जाएंगे और जो जमीन में है वो भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। सबका तर्जुमा यही है इल्ला मन शा अल्लाह, मगर वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे, वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे। आप बताइए कैसी बात है कुरान का कि सब मर जाएंगे और वो नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहे, वो कौन लोग हैं जो सूर फूकने पे भी नहीं मरेंगे? आखिर ऐसे कौन लोग हैं? इजराइल जिसमें सूर फूकेगा तो आसमान में सूर फूकेगा तो जिब्राइल मर गया, मिकाईल मर गया, इजराइल मर गया, इस्राफील मर गया, सारे मलाइका मर जाएंगे, और जमीन में सूर फूकी तो सारे मौलवी मर गए। कुरान ने कहा इल्ला मन शा अल्लाह, मगर वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। कुरान कह रहा है सूर फूकने पर सब मर जाएंगे मगर वो नहीं मरेंगे। उस शख्स से पूछो जो कह रहा है मोहम्मद मर गए, नारे नारे नारे
खुशबू की जाएगी तो सफल है इल्ला माशाअल्लाह, मगर वो ना पूरी मरे के अल्लाह चाहेगा। तो आवाज नहीं आ रही क्या आपका? तो वो लोग नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। माइक सही करो इधर, माइक का रुख सही करो। इब्राहिम नहीं मार सकता तेरे पास रखोगे कहाँ से आई है? अल्लाह कह रहा है वो सत्य कुरान क्या है, हदीस नहीं है। मुझे कोई कहते कि हमारे यहाँ तो मिलती नहीं हदीस, हदीस में आया ही नहीं। कुरान ने कहा मैंने लिख तो दिया कि सबको मार दूंगा, मगर ऐसे लोगों को नहीं मारूंगा जिन्हें मैं चाहता हूँ। जिनको अल्लाह चाहता है वो कौन है, उनका नाम क्या है? एक तो जो पैगंबर ने बताया था उनका नाम, अभी मैं आपको साबित करूंगा। जब खैबर में अलम लेने की जरूरत हुई तो 39 दिन तक लोगों ने अलम लिया। 40 पैगंबर ने कहा अल्लाह वते अंदर रात हजर हजर करनार मेरा फरार यतहु अल्लाह। कल ये घड़ीला उसका दुआ कि अल्लाह जिसे चाहता होगा वो अल्लाह को चाहता होगा। सबको मार दूंगा मगर उसे नहीं मारूंगा जिसे अल्लाह चाहेगा। तो पैगंबर ने बताया खैबर में कि अली को अल्लाह चाहता है, कयामत में अली को नहीं मारा जाएगा।
आप डरते कि अगर अलम को बिदत कह दो तो एंटीना भी तो बिदत करो, वो जो लगावट टावर का भी तो बिदत करो, उसमें पैसे मिल रहे हैं, पैसों पर काम कर रहे हो। अगर पैसों में काम कर ये कोई नहीं करता, मौलवी मौलवी घरों पर लगे हुए, मैंने देखा बाहर मौलवी घरों पर लगे हुए, तो क्यों कहा कि हमें कनेक्शन मिल जाता है। हमने कहा भाई हमने अब्बास का आलम इसलिए लगाया है कि हमें कायनात में कनेक्शन मिल जाता है, तभी तो काटते हैं हमारे यहाँ जाते हैं। अब ये कि आपके पास नहीं आता तो आपके पास वो आलम ही नहीं। इसलिए कुरान ने सूरह ज़ुमर में आवाज दी कि सबको मारूंगा मगर उनको नहीं मारूंगा कि जिनको अल्लाह चाहेगा। तो खैबर में आवाज दी पैगंबर ने कि मैं ऐसे को आलम दूंगा कि जिसे अल्लाह चाहता है। तो ये तय हो गया कि पैगंबर के बाद जिंदा रहने वाला क़यामत में अली। बताइए तो पैगंबर तो है ही नहीं। देखिए दुनिया में एक ऐसी चीज होती है कि आप लोगों को हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आइंदा की क्लास समझ में आ जाए, आइंदा की क्लास समझ में आ जाए। अगर आप अपने बच्चे को पहली क्लास पढ़ा रहे हो तो आपका मकसद ये है कि दूसरी क्लास समझ में आ जाए, और दूसरी पढ़ा रहे हो तो तीसरी क्लास समझ में आ जाए, तीसरी पढ़ा रहे हो तो चौथी क्लास समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली आप अपने बच्चे को पढ़ाई में दाखिल नहीं कर सकते, पहले तीन क्लासों को समझे फिर चौथी में आए फिर पांचवी में आए, तब तो बच्चा पढ़ा लिखा दे रहा था। आपने मैंने अपने बच्चे को डायरेक्ट पांचवी शुरू किया भाई इसके पल्ले कुछ पढ़ेगा ही नहीं, पांच को समझेगा ही नहीं। इसलिए क्लासों पे क्लासें जो बढ़ती हैं उससे उसका ज्ञान बढ़ता है, यही तरीका नहीं बताता है वो क्लासे पे क्लासे लगाता है। उसने पहली क्लास लगाई आदम की और फरिश्तों की, क्या फरिश्तों की क्लास लगाई कि आदम को इल्म देकर सारे फरिश्तों को उसके साथ सामने सजदे में बिठा दिया, सब फरिश्तों ने सजदा किया है नहीं किया, ये इसलिए किया कि चौथी सदी के मुल्ला का मैं बंद कर देना। ये बता दिया कि आदम जब एक की तुराब से बना हुआ जिब्राइल से अफजल है तो अबू तुराब कैसे अफजल नहीं होगा। क्लास है सारे फरिश्ते सजदे में बैठ चुके हैं, कहते हैं साहब हमारे नबी को पढ़ा लिखा दिखाई नहीं क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं था। कुरान सर पर के पूछो जाहिल मुल्लक से कि जिब्राइल कहाँ पढ़ा हुआ है, मिकाइल कहाँ पढ़ा हुआ है, जिब्राइल किस शुरू में पढ़ा, मिकाइल का उस्ताद कौन है, इजराइल का उस्ताद कौन है, ये फरिश्तों के उस्ताद का नाम बताओ कैसे पढ़ गया, किस क्लास में रहा। या तो ये कहो कि पहले जिब्राइल जाहिल था, तुम्हारी अकल को क्या हो गया, शर्म नहीं आती। तुम फरिश्ते के मामले में कहते हो कि पढ़ा हुआ पैदा हुआ, और मोहम्मद के मामले में कहते हो बेपढ़ा पैदा हुआ। जिब्राइल को किसने पढ़ाया, हमें उसका नाम बता दो, उस टीचर का नाम बता दो, कहते नहीं सरकार, और कितना पढ़ा हुआ और कितनी उम्र के साथ बराबर, कोई किताब पढ़ी जिब्राइल, कोई टीचर है जिब्राइल का, कह नहीं नहीं जिब्राइल का टीचर तो अल्लाह है जो मोहम्मद के घर पे झाड़ू दे, उसका उस्ताद अल्लाह हो, और जो काबे में आए उसका उस्ताद कौन होगा। मैंने कहा अली का उस्ताद तो अल्लाह है, तू बता दे मारे नबी का उस्ताद तो अल्लाह है, नहीं नहीं हो सकता, और जिब्राइल का उस्ताद अल्लाह है, जिब्राइल का उस्ताद अल्लाह है, फरिश्तों के मामले में ईमान रखते हो, मोहम्मद के मामले में बेईमान। जिब्राइल कुरान लेके आ रहा है, जाहिल को कुरान दे,
कुरान ने कहा है मेरा लहू महफूज है। चले एक हिस्सा जहाँ जाहिर थे तो जाहिर कुरान ला सकता है, जाहिर कुरान पढ़ सकता है। जिब्राइल को कुरान किसने पढ़ा है इसका नाम बता दे। जो लेके आए वो पढ़ाओ और इसके पास लेके आए वो बेपढ़ाओ पड़ेगा। क्या अल्लाह ने पहली क्लास में बता दिया कि इनका उस्ताद खुदा होता है, इनका उस्ताद खुदा होता है। देखिए मेरे सरकार आपने एक बात बताओ कानून की, मौला अली के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए आप लिख सकते हैं मसलन ये कहे भाई ये नकवी साहब भी डॉक्टर है और ये दूसरे नकवी साहब भी डॉक्टर है और कहते ये बीबीएस है ये एमबीबीएस है लेकिन है डॉक्टर तो डॉक्टर डॉक्टर से मिल सकता है, दोनों को डॉक्टर कहते हैं। ये पीएचडी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर है तो डॉक्टर डॉक्टर से मिल जाता है तो डिग्री में इल्म में मिला सकते हैं लेकिन एक जगह ऐसी होती है कि नहीं मिला सकते, मिल ही नहीं सकता। सर मिसाल दूं आपकी मदद में, एक ऐसी जगह है कि जहाँ इंसान मिल ही नहीं सकता, वो ये सोने का मजा कि एक जवान को सुना दो एक बूढ़े को सुना दो दोनों को पता चल जाए बड़े इंडिया कौन सो रहा है और जवान कौन सो रहा है। अगर नहीं तो आप किराया कर लेना, आपके यहाँ कहीं बुआ नहीं मिले तो किराया कर लेना, उससे सुला के देखना तो जब आप बूढ़े को सुलाओगे तो कहेंगे चाचा पोड़ा सो रहा ये सो रहा है। अब वो अपने लिपटा हुआ बिल्कुल ऐसे ही सोएगा और जल्दी जल्दी खास खास के उठे और जवान को सुलाओगे तो अंगड़ाइया लेगा जवानी में सोएगा तो सोने में बुढ़ा जवान से नहीं मिल सकता और जवान बुढ़े से नहीं मिल सकता है ना। हम ये बताओ कि पैगंबर ने हजरत अली से कहा कि आज की रात में मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, या अली मदद हक मेरे बिस्तर पर सो जाओ। इन्हें ये पता नहीं था कि अली 13 साल का है, मैं 55 साल का हूँ। लोग पहचान लेंगे, काफिर पहचान लेंगे कि ये मोहम्मद सो रहा है या अली सलाम पहचान लेते ना काफिर। भाई पैगंबर तो बुढ़ापे की स्थिति में सो रहे हैं, 55 साल का आदमी कैसे सोएगा बता, 56 साल का आदमी कैसे सोएगा और जो 18 साल का है 13 साल का वो कैसे अंतर ले लेगा। तो और दूसरा ये कि उन लोगों ने जब लिखा आखिर के अनुभव ने कि हजरत अली का पेट मोटा था या छोटा था तो वो तो वैसे पकड़ा जाता है। अगर पुलिस में नौकरी न भी करो तो भी पकड़ लो कि मुद्दा सो रहा है, जवान सो रहा है, पेट वाला सो रहा है। तो पैगंबर को पता नहीं था कि अली को अपने बिस्तर पर सोना रहा काफिर समझ जाएगा कि मोहम्मद सो रहा या अली सो रहा। और सोना तो वैसे ही किसी का नहीं मिलता, जवान का बूढ़े से नहीं मिलता, बूढ़े का जवान से नहीं मिलता। ये क्यों कहा कि आज की रात को मेरे बिस्तर पर सो जाओ तो ये नबी ने थोड़ी कहा, नबी ने अपनी तरफ थोड़ी कहा, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद को कहा तुम्हारा बिस्तर खाली पर छोड़ना तुम अपनी जगह पर अली को सो जाओ। क्या तो हमें मालूम है मोहम्मद अली जैसा लगता है अली मोहम्मद जैसा लगता है। मोहम्मद जब चाहे अली हो जाता है, अली जब चाहे क्या अजीब बात है, सो गए अली अब सुला दिया और सुलाने के बाद कहा अली तुम सो जाओ तुम मैं करूंगा तुम मैं करूंगा। चले सुलाने में तो फिर भी कोई धक्का हो सकता है चादर उसी बीच कर ले लेकिन जाने में तो पता चलता है, जाने में तो पता चलता है क्योंकि जा रहे थे जैसे ही जा रहे थे तो काफिलों ने देख के कहा कि जा रहे अली जा रहे जब नबी किसी गरीब के गुजरे काफिलों के सबने कहा घन घन जान छे अली जा रहे हैं मोहम्मद जा रहे हैं।
लिखा है कि नबी को जाते देख के नबी नहीं कहा, मोहम्मद का अली कहा। देखिए ये ऐसी बात है कि इसमें कोई फैसला कर नहीं सकता किसी मुसलमान में साथ में नहीं किसी हाथ में सिवाय इसके कि ये कह के दूर हो जाए कि मोहम्मद अली जैसा है अली मोहम्मद अगर आपस में मिल जाए तो जिब्राइल भी पहचान सकता है, मुश्किल क्या बन अच्छा इसलिए लोग टेस्ट करके देख लो, एक चादर में पांचों को लिया, पांचों को लेके कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउजा है परवरदिगार ये मेरे हलवाई है, तो जब अल्लाह ने कहा या मलाइका तो सुक्का का सफा वक्ती इन्नी मा खलक्त समा वक्ती अतन वला अर्दा वक्ती अतन वला शमसा वक्ती अतन वला लैला मुज़लिमन, ये सारी चीजें कह देगा फिर मोहब्बत हाउजा है सब लदी ना उठा कर देगा तो जिब्राइल ने जब मंगल का हाथ रखा अल्लाह ने कहा अरे दो बच्चे एक बाप एक बेटी एक दाम कैसे नहीं पहचानेगा परवरदिगार मान लेता है किसा किसा में कौन है कहा हूं फातिमा बाबू हा बबालो हा बबालो हा तो नहीं पहचान सकता, बता दिया कि अगर ये जमा हो जाए तो जिब्राइल नहीं पहचान सकता, काफिर की बात क्या कर रहा है। सका
में कौन देखेगा, वहां तो टेस्ट किया जा रहा था कि देखो मैं मोहम्मद अली जैसा हूँ, अली खान जैसा, ताकि तुम कभी घबरा मोहम्मद में हो, जब तुम्हें कोई देखना हो पहचानना हो कि कौन है जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, कौन है जिसकी ये ताकत है ये क्लास की। पहली मरतबा तुम्हें हिजरत में कोई डर की वजह से नहीं था, ये बात पूरी की नहीं है कि पैगंबर डर की वजह से अली को सलाम के कुछ चुपके से बात बोले, और अगर ये आप कह रहे हो कि डर की वजह से गए तो ये तो सुन्नत नबी हो गई। ये क्या अकल के अंधे बातें करते हैं कि सुन्नत नबी है नहीं, हलवा खाते हो सिर्फ, सुरमा लगाते हो सिर्फ, ऊंट पे बैठते हो सिर्फ, ये भी सुन्नत है, अपने दामाद को आप चटाई पे चलाओ निकल जाओ, कोई मुफ्ती लाओ ऐसा जो अपने दामाद को उठाए सुलाए कचरे के बदले जब गोलियां चल रही और कुछ चुपके से पूछ रहा ऊंट पर कह रही जा रहा हूं ये मुसीबत की बस्ती में अपने दामाद को सुला के, अरे सुन्नत नबी नहीं है क्या, सुन्नत नबी है ना, क्यों नहीं कर रहा है। आप किसी आलिम से पढ़ के पूछो रोटी खा लो ना, ये तो जवाब दे दो नबी की नमाज मुसलमान नहीं कर रहा है, सुन्नत नबी है, करते नहीं करते अभी पीछे सुन्नत नबी है, हलवा खा रहे सुन्नत नबी है, कुरान कर रहे हैं और दामाद को अपनी चरपाई चलाना में सुन्नत नबी है, क्यों नहीं चला रहे अपने दामाद को। ये सुन्नत माना बात सुन्नतें ऐसी है जो अली कर गए वो कोई दूसरा कर नहीं, अपने दामाद को गोलियां चलती है तो सुना के चादर ऊपर डाल के बिल्कुल अपनी तस्वीर बना के बन जाएगा, अली नबी तो बन जाएगा, अली नबी तो बन जाएगा, और सुबह निकल जाए चुपके से बाहर बोले और बात जो सुबह हो जाए तो पकड़ ले दामाद को आके, और फिर बाद में अगर पिटाई भी हो तो कहे भाई सुन्नत नबी है, रोज दामाद पिटा कर कोई भी मोदी की बेटी नहीं मिलेगा, कचरे के वक्त में दामाद को सुना देता है। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोस्त पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोस्त पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर में भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर में भी अली, हर जहां अली मिलेंगे हर जहां अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जाना। और क्या करे ये बच्चे ने मेरे तो तवज्जो उसी तरफ दिला दी, शबे हिजरत की बात में कर रहा था कि दामाद को नहीं सुना सकता, माना जो फेर अली से हो गया वो कोई मौलवी कर नहीं सकता, आप तो कह रहे हम नबी जैसे करेंगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सवारी मेरी तरफ से होगी, कोई मस्जिद का मुफ्ती आ जाए और चुपके से जाके दो तीन बुतों को तोड़ा है। देखो दोनों सुन्नत है, इब्राहिम बकरा काट रहा है तो ये बकरा काट रहा है, और इब्राहिम को तोड़ा है तो ये बुत नहीं तोड़े, इब्राहिम ने कुछ तोड़े नहीं तोड़े, तोड़े नहीं तोड़े। अच्छा देखो एक अजीब बात है कि पैगंबर ने जो कुछ तोड़े वो जिब ने तोड़े चार बजे, हाँ, और इब्राहिम ने जो कुछ तोड़े वो छुप के रात में तोड़े, इब्राहिम ने छुप के भी तोड़े, नबी ने दिन में भी तोड़े। अच्छा कायनात में दो ही नबी हैं जिन्होंने बुतों को तोड़ा है, या तो हमारा नबी खातिमा अंबिया है या इब्राहिम खलील है, तो बकरा काटना भी कोई सुन्नत है और बुत तोड़ना भी कोई सुन्नत है, भाई मुख की सुन्नत ही नहीं हमारी बात। अरे जब बुत तोड़ना सुन्नत है तो आप वो मंदिर के अंदर बुत रखे, चार पांच बुत तोड़ जाओ
और अगर कोई लड़की ने दो तीन थप्पड़ मार दे उस समय तो सुन्नत नहीं मिलेगी। कैसी सुन्नत है, ये तो शलवार तक रह गया। अपने आप को अपने दोस्तों को क्या कहूँ कि ये मौलवी समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता कि भाई आंखों में सुनवा लगा रहे सुन्नत नबी, हलवा खा रहे सुन्नत नबी, पैसे जमा कर रहे सुन्नत नबी, ज़कात मांग रहे सुन्नत नबी, तो तोड़ना भी तो है, तो तोड़ो ना, वीरपुर में मंदिर होगा नहीं है ना, जाओ मैं भी तुम्हारे साथ, तो थप्पड़ पुलिस मुझे भी मार लेगी, तो बड़ी अच्छी सुन्नत है, तुम तो कहते ना हम तो बकरी पे बकरा काट कर और बकरी के अलावा भूत तोड़ कर तो तुम्हारा नाम तो भूत शिखर हो जाएगा। माना भूत शिखर किसी और का नाम है, या हबीब का नाम है या खलील का नाम है। अच्छा एक ये फलसफा है कि इब्राहिम ने चुपचुप क्यों तोड़ा, बात होती और पैगंबर ने जाहिर में तोड़ा, दोनों की बात सामने आई ना, वो जाहिर में तोड़ रहे हैं, इब्राहिम ने चुपके इसलिए तोड़े के जो घर था जहाँ बुत रखे थे वो नमूदियों का घर था, इब्राहिम का घर नहीं था, इब्राहिम घर चुपी था, इब्राहिम घर चुपी था, नमूदिया घर था, उसमें दाखिल हो गए घर में, तो उन्होंने जाके घर में उनके खलियान कर दिया, सबको कुतुब घर झेल दिया तोड़ दिया, इसलिए दूसरे के घर में जाके चुपके तोड़े जाते थे, अपने घर में जाता है वो सबने तोड़ता है, अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप घर वाले के मान भाव होंगे, अली ने बताया मैं घर पे आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि बुद्ध जो तोड़ रहे थे इब्राहिम खलील दोस्त था ना अल्लाह का, ताकि ये मौलवी को तोड़ देगा तो अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, लिहाजा अल्लाह का दोस्त हो गए ही नहीं मौलवी, उसे तो खाने पीने से नस्बत है, वो तोड़ने से नस्बत होगी, अगर इसीलिए पैगंबर ने दिल में तोड़ा और क्या किया कि इतना ताकतवर नबी मैंने कायनात में देखा नहीं कि हमारा नाम है कि वो उसकी ताकत का अंदाजा सुन्नी शिया दोनों में लिखा है कि वो ऐसे खड़ा था काफिर ने कहा चांद के रूप में कर सकते हो, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ऐसे इशारा किया तो टुकड़े हो गए, कहते सूरज को पलटा सकते हो, कहते ये क्या बात है, लो तो पलट गए, मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, देख ये सब बातें इतने एक 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 मिनट में कर रहा है, ये बुत तोड़ने में अली को अपने कंधे पर चढ़ा, अपने हाथों से लिखा इसलिए तोड़ा कि अगर बुतों के हाथ लगते तो जन्नत ही हो जाती है, अच्छी इमारत याद रखा था उसे काम आए, इसलिए बुतों के हाथ लगता है जन्नत ही हो जाती है, पत्थर के हाथ करे तो जन्नत हो जाए, और तो मोहम्मद को अपनी गोदी में पार दे उसने ये क्या छड़ी से भी गिरा सकते लेकिन छड़ी से गिरा सकते, लेकिन छड़ी से गिराते तो भी डायरेक्ट तो नहीं होते, इनडायरेक्ट हो गया, ये उनके जुमले छड़ी लगे होंगे और वो छड़ी उनके हाथ में
तो हाथ लगा दे तो जन्नति हो जाए। अब खाना भी खाना तो रहे नहीं भाई ईमान में कम और तो जैसे बेईमान पर तो चांद रोटों को उसने गिरवाया। अच्छा अब देखिए सरकार ये पैगंबर ने तो यहाँ नहीं तो मेरे कंधे पे आ गया तो ये सूरत बन रही है ना। ये बात करोगे क्लास मारेंगे ना यारी तो मेरे आदम से लेकर ईसा तक किसी ने ऐसा किया नहीं था कि अपने दामाद को जवान को अपने कंधे पे चढ़ा दिया। और उसके बाद ताकत है मौला के हाथ में तो इससे कह रहे तुम बूढ़े ये जवान कहते तुम खड़े हो मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाता हूँ। नहीं तुम मेरे कंधे पे आ जाओ मैं और आके तुम कुछ गिराओ तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। यार आपके कंधे पे कुरान लिख रहा हुआ खुदा के लिए राम कीजिए अली के कदम इधर आ जाएंगे तो कुरान की आयत पे आ जाएंगे। बताना चाह रहे थे अली कुरान के साथ है कुरान अली के साथ है ऊपर रखो दो वाली है नीचे रखो दो कुरान है। ये है नहीं इसे सुनिश्चित होने से कि किसी से हट के नहीं है बात का मेरे कंधे पे आ जाओ और मालूम है कंधे पे जा अल्लाह जा तलवार दे ये तलवार तेरा ताना जरूर था जिस जगह पर कुरान लिखा हो उस जगह पर आप कागज भी रखते नहीं बिठा सकते आप क्योंकि कुरान की तोहीन हो रही है। और अगर ऐसा है तो सुन्नत नबी है बिस्मिल्लाह आप मौलवी साहब क्यों पीछे हो आप भी ऐसे ही कर लो अपने कंधे पर कुरान रख के अपने नमाजे पर चढ़ा के सुन्नत नबी की पूरी कर लो मेरे कंधे पर दो फरिश्ते हैं आपके बीच में आप घर को नहीं देना।